गुड इवनिंग दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज फिर एक ट्रिप और स्टार्ट हो रहा मेरा उत्तराखंड का। तो अभी सैटरडे का डे है आज और टाइम हो रहा अभी 9 बज गए, तो मैं रात को निकलूँगा। तो ये मेरा एक बैग तैयार है, बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मेरे को थोड़ा निकलना है अर्जेंसी में। तो फिर मिलता हूँ आपको रास्ते में। ये देखिए मेरा पूरा ये, और ये देखो आसमान में आज चांद निकला हुआ पूरा इधर से। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है तो अभी ये चांद निकला, और यहाँ पता नहीं क्या पटाखे छूट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है वहाँ पे। लाइट भी जल्दी देखो। तो हम ये मीरापुर पहुँच चुके हैं और ये देखो पूरा अंधेरा हो रहा था अभी यहाँ पे चाय पी हमने थोड़ा। मीरापुर में कुछ भी हो रखी है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है बारिश। तो आपको मिलता हूँ आगे कोटद्वार में। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ कोटद्वार और अभी बज रहे हैं 3:56 हुए हैं, और दिल्ली से चला था मैं 10:15 के करीब। तो अब थोड़ा यहाँ पे चाय वाय पीते हैं, यहाँ से सारा हिल का एरिया शुरू हो जाता है। तो 5 बजे खुलेगा वहाँ पे, 5:15 करीब खोलते हैं वो लोग, फिर निकलते हैं आगे। तो आपको मिलता हूँ फिर आगे। दोस्तों, ये गुमखाल मार्केट है और यहाँ पे पहाड़ी सामान मिलता है काफ़ी, जैसे दालें हो गई और अनाज हो गया, जो भी हो यहाँ पे बहुत मिलता है। और अभी मार्केट खुली नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से अभी बाज़ार लगा नहीं है, देखो पूरा बंद पड़ा। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 6 बज रहा है, तो अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ, लोग थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं अपनी। क्या ब्यूटीफुल है ये देखिए, इस टाइम 5:52 हो रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है हम बादलों के ऊपर हैं। ये देखो नीचे अब सूरज निकलने वाला है, और इधर देखो ये पहाड़, ये देखिए दूर दूर तक पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। अभी आगे जाना हमने, ये देखिए। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है, ये देखो लाल लाल सा होने लग गया है, और थोड़ी देर में अभी निकलेगा सूर्य यहाँ से। कितनी लाल हो गया ना, यहाँ से होएगा अब सूर्य उदय। ये देखिए पूरा लाल हो गया एरिया। बादल भी लगे हुए हैं पूरे, लेकिन उनके बीच में से लाली लाली निकल रही है सूरज की। अपना ब्रेकफास्ट हो रहा है यहाँ पे, पराठे, चाय, अचार, चटनी, भिंडी की सब्जी और रोटी भी, और पराठे ही रहे। बढ़िया है, मस्त। बैठने का अच्छा इंतजाम है यहाँ पे, देखो नहीं लगेगा एक घंटे का। काफ़ी सुंदर है यहाँ पे बैठने की जगह। मैं जगह के बारे में बता दूँ, ये है पाटीसेना और यहाँ का व्यू आपको दिखा दूँ मैं। देखिए सूरज यहाँ पे आ चुका है ये, और ये देखो सीधी ये रोड जा रही है, अभी इधर जाना हमने। और ये है अपना ब्रेकफास्ट जहाँ पे किया था रेस्टोरेंट,
और यहाँ पे एक और दुकान है छोटी सी है, खाने पीने का कुछ सामान है, सब्जी सब्जी मिलती है। और ये देखो यो, ये इधर से व्यू, ये देखो कितनी ऊंची चोटी है यहाँ पे, ये देखो चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको एक बारी। ये देखो ये देखें इधर से, और ये नीचे यहाँ पे पानी का काफी बड़ा हुआ है सोर्स, थार लगी हुई है यहाँ पे एक धुलने के लिए, और यहाँ पे नेचुरल वाटर, ये देखो पानी का झरना बह रहा है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा। तो दोस्तों यहाँ पहुँच गए हम बोबा खाल, और यहाँ से पौड़ी भी दिखाई देता सामने उधर की तरफ। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ बैक कैमरे से, बहुत सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये बोबा खाल है, यहाँ पे छोटी सी जगह है लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है पहाड़ी पे। ये देखो पहाड़ियों, और देखिए सामने हिमालय भी दिख रहा है। आज मौसम थोड़ा बिल्कुल धूप लगी हुई है चटक की, और साफ है तो हिमालय भी नज़र आ रहा है, शायद दिख रहा होगा इसमें। ये देखिए कितना अच्छा वो लग रहा है, बादलों का व्यू, हिमालय, हिमालय पर्वत, ये देखिए इधर की तरफ सामने, ये देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ से मौसम साफ हो तो बहुत अच्छा अच्छा दिखाई देता है। नीचे गांव है कुछ इधर की तरफ, नीचे की तरफ, और ये देखिए बिल्कुल नीचे। हिमालय में कई बार आता हूँ इधर, बहुत पहले देखा करता लेकिन मौसम साफ नहीं रहता था इसलिए नहीं दिखाई देता, लेकिन आज थोड़ा साफ है तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा कुछ कुछ एरिया। तो दोस्तों फाइनली हमें यहाँ पे रूम मिल गया है, और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, ये देखिए ये आनंद हिमालय रिजॉर्ट, और ये इधर है, ये देखिए ये पार्किंग के लिए भी यहाँ पे है, और आज यहाँ पे पार्टी है एक रात को, तो पार्टी का अरेंजमेंट कर रहे हैं सब लोग। और ये देखिए यहाँ से व्यू देखिए, इतने शानदार शानदार व्यू है। अभी रोड पे ही है ये सामने देखो, ये रोड है बिल्कुल, रोड से ऊपर आना बस यहाँ पे, एकदम मस्त व्यू है यहाँ से, और अच्छा रिसोर्ट अभी नया ही बना है। ये देखिए प्लांट लगा रखे इन्होंने यहाँ पे, और ये हैं झूले, बहुत बढ़िया है यहाँ पे बैठने के लिए, तरह से झूला लगा हुआ, आप यहाँ से बैठ के यहाँ पे व्यू देख सकते हैं। ये देखिए, और एक उधर लगा हुआ ये, और ऊपर ये चीड़ के पेड़ हैं बिल्कुल इसके, ये देखिए कितना शानदार चीड़ के पेड़ है इधर। और यहाँ पे ये बन रहा है अभी, कुछ रूम बन रहे हैं यहाँ पे इधर, और ये देखिए यहाँ पे कुछ रूम बने हुए हैं, ये रहे इधर की तरफ भी रूम बने हुए हैं, और सामने वो पार्टी हॉल है, और इधर कोने पे किचन है। तो ये मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए रूम, ये अपना रूम है, और ये देखिए यहाँ से खिड़की से व्यू, मस्त व्यू है यहाँ से, देखिए श्रीनगर दिखाई दे रहा है यहाँ से बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया रूम है, ये देखिए साफ सुथरा बिल्कुल वॉशरूम, ऐसी रूम बने हैं यहाँ पे, बढ़िया रूम है सारे के सारे। इधर टीवी लगा हुआ है, ये देखिए
इधर सारे रूम है, ये पानी की टंकी है ऊपर, ये टेबल चेयर पड़ी हुई हैं अभी इनके यहाँ पे। ये देखिए, ये शाम को पार्टी का अरेंजमेंट है यहाँ पे। ये देखिए, ये भाई साहब यहाँ पे देखो किचन है, और इधर देखिए ये रूम बने हुए कुछ यहाँ पे, ये वाले रूम भी इधर बने हुए हैं। इधर बहुत बढ़िया रूम है, यहाँ पे भी अभी बन रहे हैं कुछ, इनमें से काम चल रहा है इनपे अभी, जब बन जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा यहाँ पे सारा कुछ। सबसे बढ़िया देखो ना, ये बहुत जंगल में है, बिल्कुल पूरा जंगल है ऊपर, और बहुत ठंडा है यहाँ पे, गर्मियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। ये देखिए इधर वाला व्यू, फर्स्ट क्लास। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक ग्राउंड सा है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, अभी ऊपर से भी काट रहे हैं उसको, तो यहाँ पे भी शायद कुछ बनेगा अभी। या सामने हिमालय वगैरह दिखता है यहाँ से बिल्कुल, लेकिन अभी बादल लगे हुए हैं थोड़ा थोड़ा, तो इस वजह दिख नहीं रहा है ना, जो ये सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे हैं वो पीछे बिल्कुल हिमालय है उसके, तो बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से चारों तरफ का दिखाई देता। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल मस्त व्यू दिखाई देता, और ये सारा गढ़वाल श्रीनगर है। ये देखो अलकनंदा नदी भी इसमें दिखाई दे रही है आपको, ये देखो नदी है वो। डाइनिंग हॉल है ये देखो, और हमारा खाना भी लग चुका है, और हमने अभी सिर्फ दाल चावल ही खा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ खाते हुए आ रहे थे तो मन नहीं कर रहा था, थोड़ा गरम गरम से मंगा लिया हमने ये। ये देखिए बहुत अच्छा दाल चावल बनाया है, जो हमारे पहाड़ों में मिलता असल में, बहुत बढ़िया है। ये देखिए बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, और ये सैनिटाइजर भी लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, रास्तपुर रिसोर्ट से व्यू है ये, आसपास के गांव में इधर लाइटें जल रही हैं अभी वहां की। ये देखिए बहुत खूबसूरत दिख रहा, अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, बहुत ठंड लग रही है आज, हमें खे रहे हैं यहाँ पे रात बहुत देर है ना। यहाँ पे पार्टी हो चुकी है अब, और बहुत नींद आ रही है, क्योंकि कल रात को पूरा ट्रैवल किया था, तो इससे ऐसी नींद आ रही है पूछो मत। तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही, और आज के ब्लॉग का करते हैं एंड।